An unexamined life is not worth living. 250 साल पहले बोला गया सोक्रेटिस का ये वाक्य आज भी रेलेवेंट है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सोक्रेटिस ने ऐसा क्यों कहा था, किस सिचुएशन में कहा था? इस वीडियो के एंड तक आप इसे समझ पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की शुरुआत कैसे होती है, बिगनिंग कैसे होती है, सोक्रेटिस के पहले क्या था, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स कौन थे, सोफिस्ट्स कौन थे, सोक्रेटिस के आने के बाद क्या हुआ, क्यों सोक्रेटिस को वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, सोक्रेटिस ने वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की न्यू फाउंडेशन कैसे रखी, इन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। शुरुआत हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। आप मुझे उस एक क्वालिटी का नाम बताइए जो हमें, मतलब हम मनुष्यों को, ह्यूमन बींग्स को बाकी एनिमल से अलग करता है। वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग का क्वालिटी। हम सोच सकते हैं, हम प्रश्न कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम कई तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे आसमान नीला क्यों है, धरती को किसने बनाया, यूनिवर्स को किसने बनाया, ह्यूमन बींग्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, और अपने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम दो तरह के तरीकों को अपना सकते हैं। पहला तरीका है सिंपल तरीका, सिंपल मेथड। हम किसी मिथ या कहानी या इमेजिनेशन को यूज करके इन क्वेश्चंस को, इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ओके, जैसे आसमान नीला क्यों है, हम एक कहानी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ईश्वर के सामने, गॉड के सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, उन्होंने ब्लू कलर को चुना क्योंकि गॉड को ब्लू कलर पसंद है, और इसलिए उन्होंने पूरे स्काई को ब्लू कलर से पेंट कर दिया, रंग दिया, और इसलिए स्काई ब्लू है। एक सिंपल आंसर, ओके, इमेजिनेशन पर बेस्ड, मिथ कहानी पर बेस्ड। ये आंसर बहुत सिंपल है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है, इसलिए रिलायबल नहीं है, रियल नहीं है। ऑब्वियसली बात है, हर कोई इन आंसर्स पर बिलीव नहीं कर सकता। हम में से कुछ लोग होंगे जो कि इन क्वेश्चंस को बिना किसी इमेजिनेशन, बिना किसी मिथ या कहानी को यूज करके आंसर करने की कोशिश करेंगे, और ये लोग जो इन क्वेश्चंस को बिना इमेजिनेशन, बिना मिथ या कहानी को यूज करके आंसर करना चाहते हैं, ये लोग एक नए मोड ऑफ इंक्वायरी को जन्म देते हैं। ओके, एक डिफिकल्ट तरीके को जन्म देते हैं, जहां पे हमारा जो आंसर है, इन क्वेश्चंस को लेकर हमारा जो आंसर है, वो किसी मिथ या इमेजिनेशन या स्टोरी पर बेस्ड ना होकर रीजन, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पर बेस्ड होगा। ओके, इसी नए मेथड को फिलॉसफी कहते हैं। ओके, और इस फिलॉसफिकल अप्रोच को अपनाने वाले जो पहले फिलॉसफर्स थे, जो सबसे पहले फिलॉसफर्स थे, उन्हें ही प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर कहा जाता है, उन्हें ही प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स कहते हैं। ओके, आपको यहां एक बात समझना है, एक बात ध्यान से समझना है कि इन प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स का फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, अध्ययन का विषय क्या था? नेचर, कॉस्मोस, यूनिवर्स, अर्थ, या यूं कहें कि मटेरियल वर्ल्ड। ये जो प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स थे, वो इस मटेरियल वर्ल्ड को समझना चाहते थे, इसलिए इन्हें फिजिसिस्ट भी कहा जाता है। ओके, मेनली ये जो प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स हैं, ये मेनली दो तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर, ऑब्जेक्ट कैसे बना होता है, किन चीजों से बना होता है, कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट किस चीज से बना होता है, व्हाट अ थिंग इज मेड अप ऑफ। सबसे पहले ये जो प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, थेल्स नामक फिलॉसफर ने इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की। थेल्स ने कहा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर, एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वाटर। सबसे पहले थेल्स ने इस क्वेश्चन को, इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की कि चीजें क्या चीज से बनी हुई हैं, जो मैटर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या चीज से बनी है। थेल्स कहते हैं कि वाटर, पूरा यूनिवर्स वाटर से बना है। ओके, थेल्स के बाद एक और फिलॉसफर आए, डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने कहा, डेमोक्रेटस ने अपना थ्योरी दिया, डेमोक्रेटस ने कहा कि हर ऑब्जेक्ट एक टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम।
तो यहां आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी है वो यहां एक प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर डेमोक्रेटस के द्वारा दिया जा रहा है। तो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर का ये एक फोकस था, नेचर को लेकर वर्ल्ड को लेकर वो इस तरह के क्वेश्चन को पूछते थे, ये एक क्वेश्चन है। इन प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स के द्वारा इन प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स का जो दूसरा फोकस था वो था नेचर में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करना, ये बताना कि चेंजेस क्यों होते हैं नेचर में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करना। देखिए, ये जो दूसरा एस्पेक्ट है प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स का, ये जो दूसरा फोकस है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वो फिक्स्ड नहीं है, चेंजेस कंटिन्यूअसली हो रही हैं। नेचर को देखें तो वहाँ भी सब कुछ बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, दिन और रात में बदलता है, रात दिन में बदल जाता है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, बर्फ पिघल कर पानी बनता है, पानी फिर भाप बन जाता है, हर कुछ बदल रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, नथिंग इज कॉन्स्टेंट। और ये अपीयर होता है कि रियालिटी यही है, हकीकत यही है, चेंज चेंज इज द रियालिटी। यही रियालिटी है कि हर कुछ बदलता है, यही रियालिटी है, ऐसा अपीयर होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस चेंजिंग वर्ल्ड के पीछे कुछ चीज़ें हो जो कांस्टेंट हो, जैसे कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो शायद हमें दिखाई नहीं दे रही हो लेकिन बैकग्राउंड में काम कर रही हो, और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल बदलती ना हो, कांस्टेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स में दो तरह की टेंडेंसीज उत्पन्न हुई, प्री सोक्रेटिक फिलोसफी में दो तरह की टेंडेंसीज उत्पन्न हुई, दो टेंडेंसीज निकल कर सामने आई। फिलोसोफर्स के एक ग्रुप ने आर्ग्यू किया कि चेंज इज द रियलिटी, चेंज मतलब बदलाव ही हकीकत है, बदलाव के पीछे कुछ नहीं है, कोई हिडन प्रिंसिपल नहीं, कोई हिडन ट्रुथ नहीं, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो मौजूद है, वही हकीकत है, हमारा फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए। और इस अप्रोच को अपनाने वाले फिलोसोफर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे वो उनमें से एक है हेराक्लिटस। आपको इस नाम को याद रखना होगा, आगे भी हम इस नाम को रेफर करेंगे, हेराक्लिटस। प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स का जो दूसरा समूह था वो कुछ और सोचते थे, वो ऐसा नहीं सोचते थे। इनके अकॉर्डिंग, जो दूसरा ग्रुप है प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स का, इनके अकॉर्डिंग इस बदलती दुनिया के पीछे, इस चेंजिंग वर्ल्ड के पीछे, इस चेंजिंग वर्ल्ड के बैकग्राउंड में कुछ बातें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है, अनचेंजिंग है। ये कहते हैं कि जो बदलाव है, जो चेंज है, इसे हम रियलिटी नहीं समझ सकते। बदलाव टेम्पररी होता है, ये एक इल्यूजन की तरह है, जो अभी है थोड़ी देर बाद वो नहीं रहेगा। लेकिन जो रियलिटी होगी, जो चेंज है, जो रियलिटी है वो क्या है, वो इन चेंजिंग वर्ल्ड के पीछे छिपे, इन इस चेंजिंग वर्ल्ड के पीछे छिपे वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स है, वो रियलिटी है। ये चेंजिंग वर्ल्ड रियलिटी नहीं हो सकता, इस चेंजिंग वर्ल्ड के पीछे बैकग्राउंड में मौजूद जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, वो रियलिटी है। और फिलॉसफी का काम क्या है, फिलॉसफी का लक्ष्य है इन्हीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को ढूंढना। इस व्यू को अपनाने वाले जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स थे उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो है परमेनिडीज और पाइथागोरस। इन दोनों नाम को आपको याद रखना होगा। प्लेटो जब अपनी किताब द रिपब्लिक की रचना करते हैं, रिपब्लिक में वो एक थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म, और प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है वो डायरेक्टली इन्हीं प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स से बोरोड है, परमेनिडीज और पाइथागोरस। जब आप थ्योरी ऑफ फॉर्म को समझेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे ही आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट जैसा कि परमेनिडीज और पाइथागोरस कहते हैं कि जो चेंजिंग वर्ल्ड है, इस चेंजिंग वर्ल्ड के पीछे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है, अनचेंजिंग है, कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो अनचेंजिंग है, एब्सोल्यूट है। तो ये आपको याद रखना है। तो चाहे हम जितने भी प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स की हम बात अभी किए, जितने भी प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स के बारे में अभी हमने बात किया, चाहे वो थेल्स हो या डेमोक्रेटस हो,
हेराक्लिटस हो, परमेनिडिस हो या पाइथागोरस हो, इनका फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनका जो सेंटर ऑफ इंक्वायरी है, ये नेचुरल वर्ल्ड है। ओके, ये नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, ये नेचर के बारे में, अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते थे। ये एम्पिरिकल नॉलेज के सर्च में थे। ये सारे प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स एम्पिरिकल नॉलेज, मटेरियल वर्ल्ड को समझना चाहते थे, एम्पिरिकल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज के सर्च में थे। लेकिन 5th century BC में फिलॉसफी का फोकस, जो फिलॉसफी का फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो नेचर से शिफ्ट होकर ह्यूमन बीइंग के ऊपर आ जाता है। 5th century BC में फिलॉसफी का फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट करता है, नेचर से शिफ्ट होकर ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर आ जाता है। एम्पिरिकल नॉलेज से शिफ्ट होकर ये एथिकल मॉरल नॉलेज पर आ जाता है। ये आर्ग्यू किया जाता है 5th century BC में कि यूनिवर्स के बारे में जानने से, नेचर के बारे में जानने से ह्यूमन कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होता, ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम, ह्यूमन बीइंग की सफरिंग में कोई कमी नहीं आती। जिन क्वेश्चंस का आंसर हकीकत में, इन रियलिटी ढूंढा जाना चाहिए, वे सारे एथिकल क्वेश्चंस हैं, मॉरल क्वेश्चंस हैं। जैसे जस्टिस क्या है, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है, इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढा जाना चाहिए। ट्रुथ क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, ओके, नॉलेज विजडम क्या है, ओके, ह्यूमन बीइंग के लिए जीवन जीने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओके, इन क्वेश्चंस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो आप यहां पर जो शिफ्ट देख रहे हैं, ये जो शिफ्ट है फिलॉसफी के सब्जेक्ट मैटर में, फिलॉसफी में ये जो एथिकल और मॉरल डायमेंशन का एडिशन है, फिलॉसफी में जो हम ये एथिकल और मॉरल डायमेंशन जोड़ रहे हैं, फिलॉसफी का जो हम जो फिलॉसफी के सब्जेक्ट मैटर में जिस शिफ्ट को हम यहां पर देख रहे हैं, ये शिफ्ट लाया जाता है सोक्रेटिस के द्वारा। ओके, इसे सोक्रेटिस के द्वारा ही लाया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले सोक्रेटिस के द्वारा ही पूछा जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में हम आज भी इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें सबसे पहले सोक्रेटिस ने आंसर करने की कोशिश की, और इसलिए हम सोक्रेटिस को वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फाउंडिंग फादर कहते हैं। सोक्रेटिस ने ही वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की न्यू फाउंडेशन रखी। लेकिन सोक्रेटिस से रिलेटेड हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, सोक्रेटिस से रिलेटेड। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि सोक्रेटिस कभी कुछ लिखते नहीं थे। सोक्रेटिस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी नॉलेज हमारे पास अभी अवेलेबल है, ये मेनली उनके स्टूडेंट और उनके एडमायरर्स से हमें मिलती है, प्लेटो, लगभग 20 वर्षों तक सोक्रेटिस के स्टूडेंट रहे। प्लेटो सोक्रेटिस से बहुत प्रभावित थे। अपने अधिकांश किताबों में प्लेटो सोक्रेटिस को ही अपना मेन कैरेक्टर बनाते हैं। प्लेटो के ज्यादातर डायलॉग्स में आप जो लीड रोल होता है उसे सोक्रेटिस को ही देखेंगे। प्लेटो के ज्यादातर डायलॉग्स में जो लीड रोल है वहां आप सोक्रेटिस को ही देखेंगे। ओके, तो इन प्लेटोनिक डायलॉग्स के माध्यम से हम सोक्रेटिस को जान सकते हैं, उनके आइडियाज को समझ सकते हैं। जो मेन डायलॉग्स है वो ये है, रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटैगोरस, और भी कई डायलॉग्स हैं। प्लेटो के अलावा जेनोफोन्स और एरिस्टोफोन्स की राइटिंग्स में भी हमें सोक्रेटिस का उल्लेख मिलता है। ओके, इनके राइटिंग्स में भी हमें सोक्रेटिस का उल्लेख मिलता है। तो इन रिसोर्सेज से हम ये पता लगा सकते हैं, इन रिसोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि सोक्रेटिस एथेंस में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे। वो एक शॉर्ट हाइटेड व्यक्ति थे। बाय प्रोफेशन वो एक स्कल्प्टर थे, एक शिल्पकार थे। उन्होंने एक फुट सोल्जर के रूप में पेलोपिनेशियन वॉर में एथेंस की तरफ से पार्टिसिपेट भी किया। ओके, सोक्रेटिस फुट सोल्जर के रूप में एथेंस की तरफ से पेलोपिनेशियन वॉर में पार्टिसिपेट भी करते हैं। बाय प्रोफेशन वो एक स्कल्प्टर थे। ओके, वो एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन थे। ओके, पेलोपिनेशियन वॉर के खत्म होने के बाद ही सोक्रेटिस फिलॉसफी की तरफ अपना रुख करते हैं। फिलॉसफी की दुनिया में वो कदम रखते हैं पेलोपिनेशियन के वॉर के बाद ही। ओके, तो अभी हमें यह समझना है कि सोक्रेटिस फिलॉसफी में क्यों आते हैं, फिलॉसफी की दुनिया में वो कदम क्यों रखते हैं।
सोक्रेटिस का फिलॉसफी में आने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण था सोफिस्ट्स के वर्ल्ड व्यू को, सोफिस्ट के फिलॉसफी को चैलेंज करना। ये सोफिस्ट्स कौन हैं, इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि सोक्रेटिस का फिलॉसफी में आने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण था सोफिस्ट्स के वर्ल्ड व्यू, सोफिस्ट्स के फिलॉसफी को चैलेंज करना। सोक्रेटिस के टाइम पीरियड में, उनके समय काल में, इन सोफिस्ट की फिलॉसफी पूरे ग्रीस में बहुत पॉपुलर थी। सोक्रेटिस के टाइम पीरियड में इन सोफिस्ट की फिलॉसफी पूरे ग्रीस में बहुत पॉपुलर थी। सबसे पहले हम ये देखते हैं अब कि ये सोफिस्ट्स कौन थे, फिर हम ये जानेंगे कि इनकी फिलॉसफी क्या थी जिसे सोक्रेटिस चैलेंज करना चाहते थे। देखिए, सोफिस्ट एंशिएंट ग्रीस में एक तरह के टीचर्स हुआ करते थे। वो एक तरह के टीचर्स हुआ करते थे जो घूम घूम कर ग्रीस के नौजवानों को, यंग इंडिविजुअल्स को पढ़ाया करते थे। और इनकी खासियत क्या थी, इन सोफिस्ट की खासियत क्या थी, अपने टीचिंग्स के लिए, अपने लेसन के बदले ये पैसे लिया करते थे स्टूडेंट से, फीस चार्ज करते थे। यहाँ आपको एक बात समझना है कि सोफिस्ट किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल का नाम नहीं है। सोफिस्ट जो वर्ड है वो किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल का नाम नहीं है। जैसे फिलॉसफी को परस्यू करने वाले लोगों को हम फिलॉसफर कहते हैं, उसी तरह एंशिएंट ग्रीस में जो टीचर्स होते थे, जो घूम घूम कर पैसों के लिए लोगों को पढ़ाते थे, उन्हें हम सोफिस्ट कहते हैं। ओके, और ये सोफिस्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सोफिस्ट इन यंग इंडिविजुअल्स को, एथेंस के या ग्रीस के इन यंग इंडिविजुअल्स को पढ़ाते क्या थे, क्या पढ़ाते थे। ओके, ये सोफिस्ट इन यंग इंडिविजुअल्स को पढ़ाते थे, सिखाते थे हाउ टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, बिजनेस और पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़ा जाए। ओके, अपने जीवन को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए, ये सोफिस्ट इन यंग इंडिविजुअल्स को ट्रिक्स बताते, शॉर्टकट बताते, स्ट्रेटजी बताते कि किस तरह से राजनीति में, पॉलिटिक्स में, व्यापार बिजनेस में आगे बढ़ा जाए, अपनी जिंदगी को और अधिक सक्सेसफुल बनाया जाए। ओके, इन सोफिस्ट की जो फिलॉसफी थी वो हेराक्लिटस से इन्फ्लुएंस थी। हेराक्लिटस, जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा, एक प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर जो कि ये मानते थे कि जो चेंजिंग वर्ल्ड है, इस चेंजिंग वर्ल्ड के पीछे कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल या कोई ट्रुथ नहीं होता। ओके, ये हेराक्लिटस एक रियलिस्ट थे। ओके, उनके अकॉर्डिंग कुछ भी फिक्स नहीं होता, सब कुछ बदल रहा है, हमें फोकस आज और अभी के ऊपर करना चाहिए और इस बदलते दुनिया के पीछे कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल या यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, तो हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए इन फिक्स्ड यूनिवर्सल प्रिंसिपल या ट्रुथ को ढूंढने में। ये हेराक्लिटस का आइडिया था और हेराक्लिटस के आइडिया से ये सोफिस्ट प्रभावित थे। तो सोफिस्ट ने भी ये आर्ग्यू किया अपने फिलॉसफी में, उन्होंने भी ये आर्ग्यू किया कि चूंकि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, इसलिए जस्टिस, ट्रुथ, विजडम, इन शब्दों का डेफिनेशन भी फिक्स्ड नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। ओके, हर किसी के लिए ट्रुथ और जस्टिस का डेफिनेशन, मीनिंग जो है वो डिफर करेगा और हर किसी का मीनिंग डेफिनेशन अपने जगह सही होगा। हम जस्टिस या ट्रुथ के किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उसे एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल नहीं बता सकते। तो सोफिस्ट ने कहा कि ट्रुथ इज रिलेटिव। ध्यान से आप ये बात को समझे कि सोफिस्ट ने कहा कि ट्रुथ इज रिलेटिव, मतलब ट्रुथ का कोई फिक्स्ड या एब्सोल्यूट डेफिनेशन मीनिंग नहीं हो सकता। अगर सिचुएशन बदलता है, कॉन्टेक्स्ट बदलता है, लोग बदलते हैं, तो ट्रुथ का, जस्टिस का डेफिनेशन मीनिंग भी बदलेगा। ओके, लेकिन सोक्रेटिस ने कहा, सोक्रेटिस कहते हैं कि ये जो सोफिस्ट का रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू है, ये जो रियलिस्ट और रिलेटिविस्ट वर्ल्ड व्यू है सोफिस्ट्स का, ये गलत है। ओके, ये सही नहीं है। सोक्रेटिस कहते हैं कि ट्रुथ का, जस्टिस का एक फिक्स्ड यूनिवर्सल एब्सोल्यूट डेफिनेशन होता है जो हर जगह, हर सिचुएशन में, हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो। ये सोक्रेटिस का मानना है कि ट्रुथ, जस्टिस, इनका एक यूनिवर्सल, एक फिक्स्ड एब्सोल्यूट मीनिंग डेफिनेशन होता है जो हर जगह, हर सिचुएशन में, हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो। ओके, लेकिन
यहां एक बात के ऊपर आपको ध्यान देना है, और वो बात क्या है? सोक्रेटिस ये कभी नहीं कह रहे कि उन्हें पता है कि ट्रुथ या जस्टिस का मीनिंग या डेफिनेशन क्या है। सोक्रेटिस ये तो जरूर कह रहे हैं कि हाँ, ट्रुथ जस्टिस का एक एब्सोल्यूट फिक्स्ड यूनिवर्सल मीनिंग होता है, लेकिन सोक्रेटिस खुद ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि ट्रुथ या जस्टिस का एब्सोल्यूट मीनिंग डेफिनेशन क्या है। ओके, तो सोक्रेटिस एक डॉगमेटिस्ट नहीं है। डॉगमेटिस्ट होने का मतलब क्या है? डॉगमेटिस्ट किसे कहते हैं? उसे, उन लोगों को डॉगमेटिस्ट कहते हैं जो जो किसी भी चीज के मीनिंग या डेफिनेशन को बता दें और कहें कि ये मीनिंग, ये डेफिनेशन सही है, फिक्स्ड है, इस डेफिनेशन, इस मीनिंग के अलावा और जितने भी डेफिनेशन या मीनिंग है वो सब गलत है। ओके, इन्हें डॉगमेटिस्ट कहते हैं। तो सोक्रेटिस एक डॉगमेटिस्ट नहीं थे। इसके अपोजिट सोक्रेटिस ये कहते हैं, सोक्रेटिस ये क्लेम करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते। ओके, वो बस इतना जानते हैं कि इस चेंजिंग वर्ल्ड के पीछे कुछ एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, और हम इन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को, इन यूनिवर्सल ट्रूथ को, इन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, इन यूनिवर्सल ट्रूथ के नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। सोक्रेटिस बस इतना कहते हैं। ओके, लेकिन यहां अब एक प्रश्न उठता है। हम इन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, इन यूनिवर्सल ट्रूथ के नॉलेज को एक्वायर कैसे कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं? ओके, देखिए इसे समझते हैं। प्लेटो का एक डायलॉग है, मीनो। इस डायलॉग का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का ही नाम मीनो है, और इस डायलॉग में ये जो कैरेक्टर है मीनो सोक्रेटिस से यही सवाल पूछता है कि नॉलेज को एक्वायर कैसे किया जाता है। ओके, क्या हम किसी चीज के नॉलेज को लर्न कर सकते हैं, या कोई हमें किसी चीज के नॉलेज को पढ़ा सकता है? ओके, मतलब सोक्रेटिस से ये पूछा जाता है कि कैन नॉलेज बी टॉट और लर्न? क्या हम किसी किताब या किसी टीचर के माध्यम से किसी नॉलेज को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, या कोई ये क्लेम कर सकता है कि वो हमें किसी चीज के नॉलेज को पढ़ा दे, सिखा दे? ये मीनो जो है सोक्रेटिस से प्रश्न करते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं, सोक्रेटिस का जवाब होता है मीनो को इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सोक्रेटिस कहते हैं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। सोक्रेटिस हमारे समक्ष अब अपना थ्योरी ऑफ नॉलेज रखेंगे। सोक्रेटिस का एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो मीनो को आंसर करते हुए सोक्रेटिस अब हमारे समक्ष अपना थ्योरी ऑफ नॉलेज रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोक्रेटिस कहते हैं कि किसी भी चीज के नॉलेज को ना तो पढ़ाया जा सकता है और ना तो सीखा जा सकता है। नॉलेज हमारे भीतर होता है। नॉलेज कहाँ होता है? नॉलेज हमारे भीतर होता है। हम बस अपने भीतर छिपे इस नॉलेज को बाहर निकाल सकते हैं। कोई हमें नॉलेज दे नहीं सकता, या हम किसी से नॉलेज ले नहीं सकते, कोई हमें पढ़ा नहीं सकता और हम सीख नहीं सकते। नॉलेज हमारे भीतर होता है और हम अपने भीतर छिपे इस नॉलेज को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन यहां आपको एक बात समझना है, कि सोक्रेटिस जिस नॉलेज की बात कर रहे हैं ये कंसेप्चुअल नॉलेज है। सोक्रेटिस कंसेप्चुअल नॉलेज की बात कर रहे हैं, एम्पिरिकल नॉलेज की नहीं। ओके, एम्पिरिकल नॉलेज का मतलब होता है फैक्चुअल नॉलेज, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, साइज क्या है, ये एम्पिरिकल नॉलेज हुआ। ओके, एम्पिरिकल नॉलेज को हमें एक्वायर करना पड़ेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा, कहीं से पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन जो कंसेप्चुअल नॉलेज है सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग, कंसेप्चुअल नॉलेज ये हमारे भीतर होता है। जरूरत है कि हमारे भीतर छिपे कंसेप्चुअल नॉलेज को बाहर निकाला जाए। लेकिन अब हमें ये भी समझना है कि कंसेप्चुअल नॉलेज का मतलब क्या होता है। कंसेप्चुअल नॉलेज किसे कहते हैं? ओके, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? आइए इसे समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का एक आइडिया है जो कि आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कंसेप्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी चीज का एक आइडिया जो आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चेयर, कुर्सी। चेयर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आइडिया ऑफ चेयर ये एक कॉन्सेप्ट है।
चेयर कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन चेयर का जो आइडिया है वो एक ही होगा। और चेयर का ये आइडिया क्या है? ये आइडिया है कि चेयर के चार पैर होते हैं, ये बैठने में काम आता है। आप अगर दुनिया के सारे चेयर को डिस्ट्रॉय भी करते, लेकिन आप चेयर के इस आइडिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, चेयर के कॉन्सेप्ट को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर मैं एक पत्थर पर जाकर बैठ जाऊं और मैं आपसे कहूं कि मैं एक चेयर पर बैठा हुआ हूं, तो आप मुझे कहेंगे कि नहीं, मैं गलत हूं। आप उस पत्थर को कभी चेयर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में चेयर का एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है जो उस पत्थर से मैच नहीं कर रहा। इसे ही कंसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं, इसे ही कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि कंसेप्चुअल नॉलेज हमारे भीतर है। इस नॉलेज को ना तो पढ़ाया जा सकता है और ना तो सिखाया जा सकता है। इस नॉलेज को बस हमारे भीतर से बाहर निकाला जा सकता है। अब प्रश्न है, कैसे कैसे हम इस नॉलेज को बाहर निकाल सकते हैं? सोक्रेटिस कहते हैं डायलेक्टिक्स के मेथड को फॉलो करके, जिसे सोक्रेटिक मेथड भी हम कहते हैं। डायलेक्टिक्स के मेथड को फॉलो करके हम इस छिपे हुए नॉलेज को, अपने भीतर छिपे हुए नॉलेज को बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें यह समझना है कि डायलेक्टिक्स क्या है, सोक्रेटिक मेथड किसे कहते हैं। देखिए, डायलेक्टिकल मेथड दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला एक कॉन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है। ओके, डायलेक्टिक्स क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला एक कॉन्वर्सेशन, एक डायलॉग है, जिसके तहत सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट या एक ओपिनियन रखा जाता है। ओके, फिर कॉन्वर्सेशन के माध्यम से इस आर्ग्यूमेंट, इस ओपिनियन के कॉन्ट्रडिक्शंस को ढूंढा जाता है। ओके, कॉन्ट्रडिक्शंस को ढूंढा जाता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को ढूंढा जाता है। फिर इन कॉन्ट्रडिक्शंस को ध्यान में रखते हुए, इन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, जो हमारा इनिशियल आर्ग्यूमेंट है, जो इनिशियल ओपिनियन है, उसे मॉडिफाई किया जाता है, उसे रिफॉर्म किया जाता है। ओके, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हम एक ऐसे आर्ग्यूमेंट तक ना पहुंच जाए जिसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट ना हो, जिसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। और ये जो फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, यही हमारा नॉलेज होगा। तो डायलेक्टिक्स के प्रोसेस में शुरुआत हम एक ओपिनियन से करते हैं और एंड हमारा नॉलेज के साथ होता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ होता है। ओके, तो ये है डायलेक्टिक्स का मेथड। तो सोक्रेटिस को ये पता था कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ट्रुथ और जस्टिस को समझने के लिए डायलेक्टिक्स के प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। बिना डायलेक्टिक्स के प्रोसेस से गुजरे आप नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकते, ट्रुथ और जस्टिस के मीनिंग को नहीं समझ सकते। बिना डायलेक्टिक्स के नॉलेज को अटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। और डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है? डायलेक्टिक्स का मतलब है डायलॉग, कन्वर्सेशन। और डायलॉग और कन्वर्सेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लोग चाहिए जिनके साथ आप बात कर सके, कन्वर्सेशन कर सके, डायलॉग कर सके। तो सोक्रेटिस ये क्लियरली कहते हैं कि नॉलेज को इंडिविजुअली हासिल नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉलेज को इंडिविजुअली हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि एक कमरे में बैठकर मेडिटेशन करके आप नॉलेज को एक्वायर कर लेंगे, तो सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। नॉलेज के लिए आपको डायलेक्टिक्स के प्रोसेस से गुजरना होगा, कन्वर्सेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए, नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए सोक्रेटिस एथेंस के बिजी मार्केट प्लेस में चले जाते हैं, रेगुलरली चले जाते हैं। और एथेंस का जो मार्केट प्लेस है उसे एगोरा कहा जाता है, एगोरा कहते हैं, एथेंस के मार्केट प्लेस को एगोरा कहते हैं। और यहाँ सोक्रेटिस एगोरा में पहुंचकर, एथेंस के मार्केट प्लेस में पहुंचकर, यहाँ सोक्रेटिस हर किसी को रोककर उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनसे पूछते हैं, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ लाइफ, इन क्वेश्चंस को पूछते हैं। लेकिन सोक्रेटिस का मेन टारगेट वो लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो एथेंस में अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं। ओके, सोक्रेटिस क्वेश्चन पूछते हैं, हर किसी से पूछते हैं, लेकिन सोक्रेटिस का मेन टारगेट तो वो लोग होते हैं जो एथेंस में अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं। सोक्रेटिस इन सो कॉल्ड नॉलेजेबल लोगों को चैलेंज करते हैं, इन्हें अपने साथ डायलॉग में, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं। अब ये जो नॉलेजेबल लोग हैं,
पब्लिक प्लेस में जब कोई इन्हें चैलेंज करता है, जब सोक्रेटिस पब्लिक प्लेस में इन्हें चैलेंज करते हैं, तो नहीं चाहते हुए भी अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए ये नॉलेजेबल लोग सोक्रेटिस के साथ डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाते हैं। और जब डायलॉग शुरू होता है तो जितने भी यंग एथेनियंस हैं वे इस तरह के कॉन्वर्सेशन को देखने के लिए सोक्रेटिस को चारों ओर से घेर लेते हैं। और हर बार सोक्रेटिस अपने क्वेश्चनिंग के माध्यम से अपने सामने वाले को हरा देते हैं अभी ये जो सामने वाला है, जो सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन है एथेंस का, सामने वाले की सिर्फ हार नहीं होती, उसे पब्लिक के सामने ह्यूमिलेशन को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस में वो सोक्रेटिस से हारता है, एक डायलॉग में, एक डिबेट में सोक्रेटिस से हारता है। तो ये सिर्फ हार नहीं है, उसे एक पब्लिक ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन, ये डायलॉग पब्लिक के सामने मार्केट प्लेस में हो रहा होता है। ओके, तो इस तरह सोक्रेटिस ने कई इन्फ्लुएंशियल एथेनियन को मार्केट प्लेस में अपने साथ डायलॉग में हराया। और ये एथेनियन जिन्हें सोक्रेटिस के वजह से पब्लिक ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा, ये एथेनियन धीरे धीरे सोक्रेटिस के दुश्मन बन जाते हैं। और ये चाहते हैं कि सोक्रेटिस अपना ये जो क्वेश्चनिंग का एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर है, इसे खत्म करें, रोक दें। सोक्रेटिस को मनाने की ये कोशिश करते हैं, कहते हैं लोग सोक्रेटिस को कि ये अपना क्वेश्चनिंग एटीट्यूड बंद करें। सोक्रेटिस नहीं मानते, किसी की बात नहीं सुनते। तो क्या होता है जब सोक्रेटिस किसी की बात नहीं सुनते? तो सोक्रेटिस के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जाता है, एक चार्ज प्लेस किया जाता है सोक्रेटिस के ऊपर, इम्पाइटी और करप्टिंग द यूथ का चार्ज का आरोप लगाया जाता है। इम्पाइटी का मतलब ऐसे देशद्रोह है, लेकिन यहाँ इम्पाइटी के तहत सोक्रेटिस पर आरोप लगाया जाता है कि सोक्रेटिस ने एथेंस के ट्रेडिशनल गॉड, ट्रेडिशनल रिलीजन को भी क्वेश्चन किया है। ओके, तो 500 लोगों की एक ज्यूरी बैठती है और सोक्रेटिस पर ट्रायल चलता है। ओके, प्लेटो ने सोक्रेटिस के इस ट्रायल को अपनी किताब, अपने डायलॉग एपोलॉजी में कवर किया है। सबसे पहले सोक्रेटिस को ये एक्सप्लेन करने को कहा जाता है कि वो लोगों से इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। सबसे पहले सोक्रेटिस से ये कहा जाता है, ज्यूरी जो है वो सोक्रेटिस को कहती है कि आप इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं लोगों से, लोगों को परेशानी है मगर आप इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। सोक्रेटिस अपने आप को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि एक बार ओरेकल ऑफ डेल्फाई से पूछा गया, ओरेकल ऑफ डेल्फाई का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सोक्रेटिस कहते हैं कि एक बार ओरेकल ऑफ डेल्फाई से पूछा गया कि पूरे एथेंस में सबसे वाइजेस्ट पर्सन कौन है। ओरेकल ऑफ डेल्फाई ने कहा पूरे एथेंस में सबसे वाइजेस्ट पर्सन, सबसे विवेकशील प्राणी सोक्रेटिस है। यहां पर आप ये समझ लें कि सोक्रेटिस ने खुद ओरेकल ऑफ डेल्फाई से ये नहीं पूछा, एथेंस का कोई नागरिक, सोक्रेटिस का एडमायरर ओरेकल ऑफ डेल्फाई के पास जाता है और ओरेकल ऑफ डेल्फाई से पूछता है कि पूरे एथेंस में सबसे वाइजेस्ट पर्सन कौन है। ओरेकल ऑफ डेल्फाई कहता है कि सोक्रेटिस है, और वो जो एथेंस का नागरिक है वो सोक्रेटिस को आकर ये बात बताता है। ओके, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ओरेकल ऑफ डेल्फाई कौन है। देखिए, ओरेकल का मतलब होता है प्रीस्ट, पंडित, और डेल्फाई एथेंस के एक बहुत ही फेमस मंदिर का नाम है। तो ओरेकल ऑफ डेल्फाई क्या हुआ, ओरेकल ऑफ डेल्फाई का मतलब क्या हुआ, डेल्फाई नामक मंदिर का प्रीस्ट। सो ओरेकल ऑफ डेल्फाई ने सोक्रेटिस को पूरे एथेंस का सबसे वाइजेस्ट पर्सन बताया, और जब ये बात सोक्रेटिस तक पहुंची तो सोक्रेटिस को यकीन नहीं हुआ। मतलब सोक्रेटिस कहते हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है, वो अपने आप को वाइजेस्ट नहीं समझते, वो अपने आप को वाइजेस्ट नहीं मानते। तो ओरेकल ऑफ डेल्फाई ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि सोक्रेटिस खुद अपने आप को वाइजेस्ट नहीं मानते। सोक्रेटिस ने ओरेकल की बात को गलत साबित करना चाहा, सोक्रेटिस चाहते हैं कि वो किसी तरह से ओरेकल ऑफ डेल्फाई की बात को गलत साबित करें। अब तरीका क्या था, तरीका ये था कि वो एथेंस में जाएं और जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं, एथेंस के नॉलेजेबल लोग हैं, उन्हें वो टेस्ट करें, उनके नॉलेज को टेस्ट करें, और ये प्रूव करें कि हाँ कोई एक इंडिविजुअल है जो सोक्रेटिस से भी ज़्यादा नॉलेजेबल है, तब जाकर ओरेकल की जो बात है, ओरेकल ऑफ डेल्फाई की जो बात है वो गलत साबित होगी। तो वो एथेंस के वाइजेस्ट पर्सन, तो एक तरह से सोक्रेटिस ये कोशिश करते हैं कि वो एथेंस में जाए और अपने क्वेश्चनिंग के माध्यम से अपने से भी ज़्यादा वाइज एक पर्सन को ढूंढे। तो वो एथेंस के वाइजेस्ट पर्सन की खोज में निकल जाते हैं।
तो जो लोग अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं एथेंस में, उनसे सोक्रेटिस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर सोक्रेटिस बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन क्यों करते हैं, इतना सारा इतना ज़्यादा वो क्वेश्चन क्यों करते हैं, वो ज्यूरी के सामने ये बता रहे हैं। तो जो लोग अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं, उनसे सोक्रेटिस क्वेश्चन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ये लोग नॉलेजेबल हैं। अगर हाँ, तो ओरेकल की बात गलत साबित हो गई। लेकिन लेकिन एट द एंड लेकिन एट द एंड सोक्रेटिस इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मतलब पूरे एथेंस में जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं, उनको क्वेश्चन करने के बाद एट द एंड सोक्रेटिस इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि पूरे एथेंस में एटलीस्ट एक मामले में, दैट मीन्स इन वन रेस्पेक्ट, सोक्रेटिस खुद, सोक्रेटिस वो सबसे वाइज हैं, सबसे वाइजेस्ट है एक मामले में, इन वन रेस्पेक्ट। और ये क्या है? देखिए, जितने भी सो कॉल्ड नॉलेजेबल लोग हैं एथेंस में, जिनसे सोक्रेटिस क्वेश्चन करते हैं, जितने भी सो कॉल्ड नॉलेजेबल लोग हैं एथेंस में, इन नॉलेजेबल लोग को एक्चुअली कुछ नहीं पता। जब सोक्रेटिस इनसे क्वेश्चन करते हैं, तो इनका अज्ञानता बाहर आ जाता है, सोक्रेटिस को समझ में आ जाता है कि इन्हें कुछ नहीं पता। तो जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं एथेंस में, उन्हें एक्चुअली कुछ नहीं पता, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वे दुनिया के सामने ये कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वे सब जानते हैं। हकीकत में वो इग्नोरेंट हैं, लेकिन खुद अपने इग्नोरेंस को वो एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, ये रियलिटी है, जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं एथेंस में, इन नॉलेजेबल लोगों का ये रियलिटी है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ सोक्रेटिस अपने आप के लिए कहते हैं, सोक्रेटिस कहते हैं अपने लिए कि उन्हें कुछ नहीं पता। सोक्रेटिस अपने आप के लिए कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते, वो इग्नोरेंट हैं, लेकिन वो अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। वो दुनिया के सामने ये नहीं कहते हैं कि वो सब जानते हैं। सोक्रेटिस को ये पता है कि वो कुछ नहीं जानते, वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। बाकी लोग क्या है, वो भी कुछ नहीं जानते, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस मामले में सोक्रेटिस बाकी हर किसी से वाइज है। ओके, सोक्रेटिस कहते हैं कि आई नो वन थिंग, दैट आई नो नथिंग। बाकी जो लोग हैं, दे ऑल्सो नो नथिंग, लेकिन उन्हें लगता है कि दे नो एवरीथिंग। तो इस मामले में सोक्रेटिस जो है, वो बाकी हर इंडिविजुअल से एथेंस में वाइजेस्ट है। तो शायद इसलिए ओरेकल ऑफ डेल्फाई ने कहा कि सोक्रेटिस जो है, वो पूरे एथेंस में वाइजेस्ट पर्सन है। लेकिन एथेंस की ज्यूरी के सामने सोक्रेटिस ने जब इन अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया, तो एथेंस की ज्यूरी सोक्रेटिस के इन आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं होती, इन्फ्लुएंस नहीं होती। सोक्रेटिस को फाइनली दोषी करार दे दिया जाता है। सोक्रेटिस के सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं। पहला, सोक्रेटिस फिलोसफी छोड़ दें, लोगों से क्वेश्चन करना छोड़ दें, ये एक ऑप्शन रखा जाता है ज्यूरी के द्वारा सोक्रेटिस के सामने। और अगर सोक्रेटिस ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके सामने दूसरा ऑप्शन रखा जाता है कि उन्हें मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी को स्वीकार करना होगा। सोक्रेटिस अपने डेथ पेनल्टी को स्वीकार करते हैं, सोक्रेटिस अपने डेथ को अपना लेते हैं। ओके, सोक्रेटिस डेथ को अपना लेते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि फिलॉसफी को छोड़ने का मतलब है ज्ञान, नॉलेज, ट्रुथ के सर्च को छोड़ देना। ओके, सोक्रेटिस कहते हैं कि फिलॉसफी को छोड़ने का मतलब है ज्ञान, नॉलेज, ट्रुथ के सर्च को छोड़ देना। मतलब एक अज्ञानता की जिंदगी जीना, बिना क्वेश्चन किए जो हो रहा है उसे स्वीकार करते जाना, एक्सेप्ट करते जाना, एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जीना। ओके, फिलॉसफी नहीं करने का मतलब है एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जीना। जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करना, आंख बंद करके बिना क्वेश्चन किए ट्रुथ नॉलेज के सर्च को छोड़ देना। ओके, सोक्रेटिस ये कहते हुए हेमलॉक, और हेमलॉक का मतलब यहाँ जहर है, सोक्रेटिस ये कहते हुए हेमलॉक को पी जाते हैं, मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये कहते हुए कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ओके, और इस तरह इतिहास के एक महान शिक्षक, एक महान दार्शनिक के जीवन का अंत होता है। तो ये है सोक्रेटिस की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको सोक्रेटिस की फिलॉसफी, सोक्रेटिस की ये कहानी समझ में आई हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।